डेस्क पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग प्लेन मिरर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग प्लेन मिरर, तो देखो इसमें क्या करना होता है, ये आपके लैब में ही एक्सपेरिमेंट हो सकता है, पहले हुआ करता था, है ना। देखिए कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है और उसके नीचे प्लेन मिरर रखा हुआ है और यहां पे एक आपको स्टैंड दिख रहा है, इस स्टैंड से यहां पे एक मैंने एक पॉइंटेड निडल को फिक्स कर रखा है, ठीक है। और यहां इसकी ऐसी इमेज बन रही है, तो देखो होता क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस ये ऑब्जेक्ट टिप है, ये ऑब्जेक्ट टिप है ना, ये इसकी इमेज बनाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस करेगा क्या, पहले कॉन्वेक्स लेंस इसका करेगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन होने के बाद ये रेस मिरर पे हिट करेगी और मिरर को वापस दोबारा से रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर किसी तरह से मैं, अगर ये सोचिए आप कि मैं इस निडल को, इस पॉइंट को बिल्कुल इसका टॉप पे समझे, बिल्कुल सिमेट्रिकल लगता है इसको, इसमें अप डाउन कर सकता हूं, इस ऑब्जेक्ट में अप डाउन कर सकता हूं, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे आगे तो क्या होता है, मतलब अगर ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर हुई तो क्या होगा, तो आप सभी को बताए कि कॉन्वेक्स लेंस में जब भी आप किसी को फोकस करते हो तो फोकस से चलने वाली जो रेज होती है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखा हुआ है तो वो रेज पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑब्जेक्ट को अप एंड डाउन कर रहे हैं तो एक सीन ऐसा बनेगा कि ये निडल जो आपकी है जिसका टेप है इससे फोकस कर जाएगा, जब ये फोकस पे आएगा तो ये जो यहां पर रेज आ रही है सारी, ये जो रेज आ रही है ये इस लेंस से निकलने के बाद बिल्कुल पैरल होगी, और वो पैरल हो जाएगी तो मिरर पे नॉर्मली हिट करेगी, ठीक है। तो अगर ये रेज मिरर पे नॉर्मल हिट करेगी तो बिल्कुल उसी तरह से वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, समझे, जिस तरह से आ रही थी उसी तरह से रेज वापस आ जाएगी, ठीक है। और फाइनली जैसे आएगी उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, यहीं पे बंद हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि आप इसको टॉप से देखते हो, आप कहीं यहां पे आपकी आई होती है टॉप पे और यहां से आप इसको देखते हो, किसको देखते हो, एक तो आप निडल को देखते हैं ऐसे और जो उसकी इमेज बन रही है वो देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि एक ऐसा इंसिडेंट आएगा कि जब ये निडल इसके फोकस पे जाएगी, है ना, तो ये आपकी जो रेज है उस पर पैरेलल हो जाएगी, नॉमिनेट करेंगे और इमेज वही बन जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के बन जाएंगे, पता कैसे करना है, जैसे सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसकी इमेज यहां पर बन गया, ऐसा देखो इन्वर्टेड बनती है। तो सपोज करो ये दोनों एक में ऐसे जुड़ी हुई है, दोनों के टिप आपस में, इसको आप ऊपर से देखेंगे ना, तो जब इसको ऊपर से देखेंगे तो ये दोनों आपको साथ साथ चलते हुए नजर आएंगे। आप दो पेन ले जाए या दो फिंगर्स को ऐसे रखिए बिल्कुल बराबर, ठीक है, ऐसे, और इसको ऊपर से देखें तो दोनों आपको जो भी मूवमेंट होगा साथ साथ मूवमेंट होगा, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर रख दिया जाए, इसको नीचे ऐसे, और टॉप से देखें ऐसे, टॉप से आप इसको टॉप से देखिए तो क्या होगा, अभी भी दोनों के पॉइंट तो आपस में आपको, जब आप ऐसे टॉप से देखोगे तो आपको दोनों के जो पॉइंट हैं, दोनों की टिप्स, वो आपको बिल्कुल ऊपर से देखेंगे, तो आप ये नहीं दर्श कर पाओगे कि एक्चुअल में आपके सामने है या नहीं इमेजेस, ठीक है। तो जब आप थोड़ा सा हेड को लेफ्ट राइट करते हो ना, आप करके देख लीजिए, दोनों फिंगर्स को ऊपर नीचे रखिए, आप जब लेफ्ट को थोड़ा हेड को थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो ये आपको दोनों अलग अलग दिखेंगे, ऐसे मूव करते हुए दिखेंगे, इसको बोलते हैं पैरेलल्स। इन शॉर्ट दो ऑब्जेक्ट्स को ऐसे रखिए और नीचे और ऊपर से यहां से देखिए, तो आपने हेड को मूव कराएंगे तो उधर, ठीक है,
तो आपको इनमें एक पैरालेक्स दिखेगा, ये अलग अलग होते हुए दिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों के हेड बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ज्वाइन है तो आपने हेड को ऊपर नीचे करेंगे तो दोनों में साथ में मूवमेंट दिखेगा। तो जब आपको इनमें साथ में मूवमेंट दिखने लगेगा, देखिए क्वेश्चन में लेगन डी एस लिखी हुई है ना, तो ऐसा बोलते हैं कि पैरालेक्स हट गया है ना। पैरालेक्स का ये मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल साथ रखे, आप हेड को ऐसा ऐसे करें दोनों साथ साथ चलते दिखेंगे, ठीक है। ऐसे देख लिया, दो फिंगर्स ऐसे रख लिए, अगर आप ऊपर से देखना चाहते हैं ठीक, ऐसे रख लिए दो फिंगर्स को ऐसे, ठीक है। और थोड़ा हेड को आप राइट लेफ्ट करिए तो आपको दोनों फिंगर्स ऐसे अलग दिखेंगे, और अगर आप बिल्कुल दोनों फिंगर्स को ऐसे रखते हैं और फिर आप ऐसे ऐसे मूव करेंगे दोनों आपको साथ चलते दिखेंगे, ठीक है। तो जो आपका यही मेन पॉइंट होता है प्रैक्टिकल में, हमें करना क्या होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पैरालेक्स को रिमूव करना होता है, ठीक है। तो जो आपका पैरालेक्स रिमूव हो जाएगा, दोनों साथ चलते हुए दिखेंगे, तो उस इंस्टेंट में आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बिल्कुल एक जगह पे होंगे, ठीक है। तो बस ये डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, समझे। मतलब जब पैरालेक्स रिमूव हो जाएगा, पैरालेक्स रिमूव होने के बाद यू हैव टू मेजर दिस डिस्टेंस, और जो आपकी डिस्टेंस आएगी यही आपकी लेंस की फोकल लेंथ होगी। क्लियर? क्योंकि इमेज तभी बनेगी, इमेज वहां पे तभी बनेगी जब रेस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। रेस अपने पाथ को रिट्रेस तब करेगी जब वो मिरर पे नॉर्मली हिट करेगी। मिरर पे नॉर्मली कब हिट करेगी? जब वो मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही होगी, और मिरर के परपेंडिकुलर तब आएगी जब वो लेंस से निकल के पैरेलल हो रही होगी, और वो लेंस से निकल के पैरेलल कब होगी? जब ऑब्जेक्ट उसकी फोकल लेंथ पर रखा होगा, ठीक है। तो ऐसा आपको कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन मिल सकते हैं, आई वे नहीं और बैक साइड में क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस लेंथ रिपर टू फोकल लेंथ, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, कि आपसे बोलेगा फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, है ना, यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। क्या बोला मैंने, लिख लिया कटिंग अप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे दोनों बोलेंगे, दो तीन क्वेश्चन हैं इस पर भी, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, सेम एपरेटस ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहां पर है प्लेन मिरर, ठीक है, और यहां पे आपने क्या फिल कर दिया, यहां पे आपने लिक्विड फिल कर दिया, और बाकी सारा एपरेटस वही रहेगा, ये स्टैंड ओवर, ठीक है। यहां पे ऐसे एक निडल लगी होगी, ठीक है, इस निडल को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है, और ये इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो अब इसको अप एंड डाउन करेंगे, वही कहानी रिपीट करेंगे आप, ठीक है। ये स्लाइडर होता है, स्लाइड कर सकता है, एंड यू कैन मेजर द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब आपने पहले इसको, पहले केस में जब आप इसने विदाउट लिक्विड आपने अप एंड डाउन किया था, तो ये जो आपकी डिस्टेंस आई थी है ना विदाउट लिक्विड, वो डिस्टेंस आपकी एच थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने यहां पे एक लिक्विड फिल कर दिया, और लिक्विड को फिल करने के बाद दोबारा फिर उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा मैंने क्या किया, परफॉर्म किया, ठीक है। तो पता चला दोबारा परफॉर्म करने में क्या हुआ, तो थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया, ऊपर चला गया पॉइंट, ठीक है। अभी ये यहां पे बैलेंस हो रहा था, ठीक है, और लिक्विड को फिल करने के बाद थोड़ा सा कहां मूव कर गया, ये थोड़ा सा ऊपर मूव कर गया, सेम समझे।
ऊपर मूव कर गया, इसका मतलब अब इस सिस्टम की फोकल लेंथ चेंज हो चुकी होगी, समझा? पहले ऐसे सीन था, ये रेज ऐसे आ रही थी, फिर ऐसे एक हो रही थी ऐसे, है ना? और अभी क्या हो रहा है, अभी ये रेज यहां से आ रही है, ऐसे ऐसे आके पैरों के हिट कर रही है, ठीक है? तो अब जो आपकी डिस्टेंस आ रही है वो डिस्टेंस आपकी एफ होगी। तो जहां पे पैरेलेक्स रिमूव हुआ वो डिस्टेंस एफ है, स्मॉल एफ। और कैपिटल एफ क्या थी? कैपिटल एफ जब आपका यहां पे लिक्विड नहीं था तो जहां पे पैरेलेक्स रिमूव हो रहा था वो डिस्टेंस कैपिटल एफ थी, और बेसिकली वही आपकी फोकल लेंथ थी, ठीक है? इस बार पानी भरने के बाद आपका पैरेलेक्स स्मॉल एफ में रिमूव हुआ, तो स्मॉल एफ क्या है, जो स्मॉल एफ होगा ये आपकी फोकल लेंथ होगी, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? एक कॉन्वेक्स लेंस और जो हमने यहां पे वाटर फिल किया है, इस वाटर को फिल करने से नीचे एक बन रहा है दिस कॉन्वेक्स, और जो नीचे बन रहा है दिस प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स मेड ऑफ वाटर और लिक्विड जो भी भरा हुआ है उसका बनेगा, समझ गए? तो अब सीन क्या है कि जो आपका ये F आ रहा है ना, 1/F, ये जो हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, प्लस 1/F' जहां पे F' है, F' है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। फाइनल जो एफ आई एम आर जहां पर बैलेंस हुआ है ना, वो इस लेंस और इस लिक्विड लेंस दोनों कंबाइंड फोकल लेंथ होगी, ठीक है? और आपको फॉर्मूला बताइए, तो जो एफ होगा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ और इसके कॉम्बिनेशन से आएगा एफ डैश, एफ डैश हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? एफ को मैं निकाल चुका हूं पहले ही, ठीक है? कैपिटल एफ मैं पहले निकाल चुका था जब यहां पे वाटर नहीं था, एफ मैंने अभी निकाल लिया है जब मैंने वाटर या लिक्विड जो भी फिल किया दोनों मुझे पता चल गए, तो मुझे यहां से एफ डैश मिल जाएगा, ठीक है? तो ये जो नीचे वाला प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है इसका मुझे एफ डैश मिल जाएगा। और आपको सबको पता है कि प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में जो एफ डैश होता है वो आर बाई म्यू माइनस वन होता है, तो यहां से यू कैन फाइंड म्यू, ठीक है? म्यू माइनस वन इज आर बाई एम डैश, तो म्यू इज वन प्लस आर बाई एम डैश, समझ गए? तो ये क्वेश्चन आपको पीछे मिलेंगे, तो म्यू इज वन प्लस आर बाई एम डैश, आपको अगर आर नहीं पता है सोचो आर कैसे निकालो, अगर आपको आर नहीं मिला तो आर दे देगा, आर नहीं गिवन तो यू कैन फाइंड आउट हाउ, दिस इज बाई कॉन्वेक्स फोकल लेंथ, और जो इसकी फोकल लेंथ एफ आई थी तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, आर बाई टू माइनस वन, समझ गया? तो जब आपको अच्छा व्यू अलग अलग है तो जब आप इसका व्यू यहां पर करोगे, नॉर्मली ग्लास होता है ना, उसका 3/2 होता है, इसका व्यू पुट करके और यू कैन फाइंड दिस आर, ठीक है? उस आर को यहां पुट करोगे आप तो आपको ये व्यू मिल जाएगा, और जो व्यू आएगा इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ठीक है? क्वेश्चन है, अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा लगता है, समझ लेता हूं आपको क्या है बेसिकली, क्वेश्चन लंबी सी कहानी लिखी होगी, समझ गया? कहानी मैंने आपको समझा दी है, कहानी यही लिखा होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन डायरेक्टली अबव द पिन, ठीक है? पैरेलेक्स इज रिमूव एट डिस्टेंस, जो भी आपको डिस्टेंस दी होगी, या बोलेगा कि इट्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज दे कोइंसाइड और पैरेलेक्स इज रिमूव्ड, ऐसे करके बोलेगा तो बोलेगा कि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, पैरेलेक्स रिमूव हो गया, तो आप समझ जाएंगे तो फोकल लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है? फिर बोलेगा कि व्हेन वाटर इज फिल्ड या लिक्विड इज फिल्ड, ठीक है, पैरेलेक्स इज रिमूव एट दिस डिस्टेंस,
तो आपको स्मॉल एफ दे देगा, है ना, या बोलेगा ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर मूविंग टूगेदर, ठीक है। तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये कंबाइंड फोकल बन जाएगी, इसको यूज करके यू कैन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। वैसे क्वेश्चन है आपको दो तीन तरह के कॉम्पिटिशन करके,